नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, अगर आपको ड्रॉ करके बताना हो तो किस तरीके से उसका डायग्राम बनाएंगे। दूसरी चीज हमको इसकी स्पीड हम पता करेंगे कि इसकी स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है या एयर या वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। दो चीजें कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर वाली वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ऑरेंज कलर वाली वेव है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और कौन से डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो सपोज ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या हो गई यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है, चल रही है वो। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी जो नेचर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेरी करेंगे हमेशा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा जो कि ऑरेंज कलर वाली वेव से दिखाया हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से वाले प्लेन में वेरी कर रहा होगा, तो ये एक्स वाई प्लेन है, जो वर्टिकल प्लेन है ना ये वाला, ये कौन सा प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने वाला प्लेन यानी कि एक्स वाई प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग और किस प्लेन में है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग और कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। ठीक है, और आप एक चीज और देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वेरिएशन कर रहे हैं, तो उस टाइप की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक और टाइप की वेव होती है जिसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे साउंड वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, इसमें जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन के अलोंग मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं, उसी डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेशन होते हैं उनमें। लेकिन अगर वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो रहे हो तो उस टाइप की वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी है, वो है ट्रांसवर्स वेव। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप की वेव होती है, तो ये हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है और इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसके अंदर पूछी जाती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी जाए, किसी क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बताओ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, मतलब कौन से डायरेक्शन में चल रही है वो, ये कैसे पता करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उन दोनों डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करो, उससे जो आपको डायरेक्शन मिलेगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे डायरेक्शन पता करनी है सपोज करो, तो कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग किसी भी चीज की डायरेक्शन बताने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, z एक्सिस के लॉन्ग, तो z एक्सिस के लॉन्ग किसी भी चीज की डायरेक्शन बताने के लिए हम के कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। अब j क्रॉस k क्या होता है, ये तो i कैप होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगी, i कैप के लॉन्ग यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग, देखो x एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। तो इस तरीके से आपको पता करना है, अगर आपको बता दे किसी क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगी, तो क्या करना है उसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना है, ई पहले आएगा बी बाद में आएगा, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जेड एक्सिस के लॉन्ग, किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है सपोज करो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग,
जिस टाइम पे आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, जेड एक्सिस के लॉन्ग, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या करना है, ई क्रॉस बी। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन चेक करेंगे। ई किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको के केप लिखते हैं, तो के केप लिख दो क्रॉस, फिर माइनस वाई एक्सिस मतलब माइनस जे के पाएगा, ठीक है, ये माइनस का सिंबल आगे लगा दो, है ना। और के क्रॉस जे ये क्या होता है, के क्रॉस जे ये माइनस आई केप के बराबर होता है। देखो ये माइनस तो ये वाला लगाया मैंने, और जे क्रॉस के ये आई केप के बराबर होता है, लेकिन उल्टा लिखा, देखो के क्रॉस जे आएगा ये, तो ये आएगा माइनस आई केप, यानी कि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस का आई केप। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट हो रही है। अगर ये माइनस आई केप आ जाता सॉल्व करने पे, सपोज करो, इसका मतलब वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट हो रही होती, ठीक है। इस तरीके से पता करना है अपन को। अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, अगर आपको उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि सी से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन हर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा और भी कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सब क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इनकी जो स्पीड होती है एयर या वैक्यूम के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप किसी मीडियम के अंदर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, सपोज करो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो एयर से पानी के अंदर चलेगी, अब पानी के अंदर उसकी स्पीड अलग होगी, कम हो जाएगी, तो उस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा वी इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। अच्छा, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज है, इस म्यू नॉट को तो बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹2। और ये म्यू और एप्सिलॉन क्या है, म्यू उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जिसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, और एप्सिलॉन उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है जिस मीडियम में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होगी। तो उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इनकी वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करोगे तब जो स्पीड निकल के आएगी वो उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड आएगी अपने पास। तो वैक्यूम के अंदर तो ये हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे, लेकिन अलग अलग मीडियम में अगर इनको ट्रेवल करवाया जाए, पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, इस दीवार के अंदर से पास हो रही हो, तो ये सब अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो इनके अंदर स्पीड अलग अलग आएगी, और वो इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करनी है। और ये जो स्पीड है ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम ही आएगी, क्योंकि नेचर के अंदर सबसे जो ज्यादा स्पीड होती है वो लाइट की होती है, इससे ज्यादा स्पीड किसी भी चीज की हमने ऑब्जर्व नहीं करी आज तक। तो अगर किसी मीडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है। ये डायग्राम याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो उसका डायग्राम बना के बताओ आप। जैसे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट हो रही है तो उसका डायग्राम है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वाई एक्सिस के लॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना है जेड एक्सिस के लॉन्ग। किस हिसाब से, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा किधर होती है, ई क्रॉस बी के लॉन्ग। तो अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तभी ये जा पाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, जेड एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि जे क्रॉस के ये आई केप के बराबर आता है, इस हिसाब से हम बताएंगे। बोलो आया क्या समझ में, सिंपल एकदम। तो ये डायग्राम याद कर लेना, वन मार्क्स वाला छोटा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और ये स्पीड के फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। देख लो कोई भी डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से अलग अलग टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ मेथड बता रहा हूँ जिनसे हम अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड है वो है ऑसिलेटिंग चार्ज। जो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ऑसिलेटिंग चार्ज मतलब, जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको आपने एक धागे से बांध के लटका दिया यहाँ पे। अब इसको आप ऑसिलेशंस करवा रहे हो एक पेंडुलम की तरह। अब ये जो पॉइंट है पी, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। इस पी पॉइंट के ऊपर आप देखोगे कि जब ये चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा इस चार्ज की वजह से, और जब ये चार्ज घूमता घूमता इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा तो इस पी पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी, और डिस्टेंस चेंज होने से जब ये चार्ज पार्टिकल इस पी पॉइंट के करीब होगा तब तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब ये दूर चला जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे प्रोड्यूस हो सकती हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम किस चीज को वेरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। पी पॉइंट पे बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा इस चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पी पॉइंट है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये चार्ज ही अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो पहला जो तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का वो क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज। सेकंड जो मेथड है वो है एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस ईएम वेव्स। एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब, जैसे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल धीरे या तेज होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने की वजह से, और जब ये तेज चलेगा तो ये ज्यादा करंट और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जब ये चार्ज पार्टिकल धीरे चल रहा होगा तो ये कम करंट और कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे कहीं भी तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगे। तो ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक सर्किट से भी प्रोड्यूस की जा सकती है, और वो सर्किट होता है एलसी सर्किट, बाय यूजिंग एलसी सर्किट। और जो एलसी सर्किट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो एलसी सर्किट है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/2 पाई √LC। इतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप एक एलसी सर्किट, एक इंडक्टर और कैपेसिटर से सीरीज में बने हुए, मतलब सीरीज में लगा दो उनको, उससे बने हुए सर्किट से आप इतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, फोर्थ जो मेथड है वो है बाय स्टॉपिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल टारगेट से टकरा के रोक देते हो, ये फास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब ये सामने एक मेटल टारगेट लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, एक मेटल टारगेट लगाया हुआ है, और ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इससे टकराएंगे, टकरा के इसके अंदर घुस जाएंगे, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी उनको हम बोलते हैं एक्सरेज। क्या बोलते हैं इनको, एक्सरेज। ये एक्सरेज को प्रोड्यूस करने का तरीका है, आप क्या करो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल टारगेट से टकरा के अब्जॉर्ब करवा दो, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फॉर्म क्या होता है, वो होता है एक्सरेज। इससे एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप एक्सरेज को प्रोड्यूस कर सकते हो। जो फिफ्थ मेथड है वो है बाय न्यूक्लियस। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम होता है गामा रेस। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी में आने के लिए अपनी एनर्जी को कम करते हैं, तो वो कुछ पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली एमिट करते रहते हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या होता है, गामा पार्टिकल्स या गामा रेस।
तो न्यूक्लियस से भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मेथड आपको बताया मैंने, ये मैन मैन मेथड्स हैं। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको सबको अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी ये कॉमन मेथड है जिनसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में?